हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईक्यू जंक्शन स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो कि फेसबुक ने लॉन्च की है। तो वीडियो के स्टार्ट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको पता पड़ सके। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर का टॉपिक कि फेसबुक ने लॉन्च किया लिब्रा क्रिप्टो करेंसी को, इससे जुड़ी तमाम बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो फेसबुक ने 18 जून 2019 को आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है अपनी क्रिप्टो करेंसी के, जिसका नाम उसने लिब्रा रखा है। अब इस कदम के पीछे कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य है वो एक लो कॉस्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बनाना है, जो कि स्मार्ट डिवाइसेस के जरिए यानी कि एंड्रॉयड मोबाइल के ज़रिए भी उपलब्ध हो सकेगा। अब इस क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कंपनी के विश्व भर में मौजूद 200 करोड़ यूज़र्स यानी फेसबुक के जो 200 करोड़ यूज़र्स हैं वो कर सकेंगे। तो जो लिब्रा क्रिप्टो करेंसी है, लिब्रा करेंसी का ये साइन है, जैसे रुपए का साइन आपने देखा होगा, तो उसी प्रकार ये क्रिप्टो करेंसी का साइन है। ये वाला साइन जो है ये क्रिप्टो करेंसी का है। अब इसके आगे चलते हैं कि फेसबुक ने जो लिब्रा है वो अगले साल 2020 तक लॉन्च करेगी। इसे नई ग्लोबल करेंसी करार दिया गया है, यानी कि वर्ल्ड वाइड यूजेबल करेंसी के रूप में ये जानी जाएगी, तथा लिब्रा के लगभग 25 पार्टनर समर्थन में हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें वीजा, मास्टर कार्ड, पेपल, उबर जैसी कंपनियां हैं। तो जो 25 जो इसके समर्थन में हैं उनका नाम आप नीचे दे सकते हैं। इसमें वोडाफोन भी शामिल है, उबर भी शामिल है, मास्टर कार्ड भी शामिल है, पेयू, पेपल, वीज़ा, ईबे, काफ़ी जानी मानी कंपनियां हैं जो कि पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको याद कर लें। ये भी लिब्रा के साथ जुड़ी हुई हैं, और ये लिब्रा का साइन है जो इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, थ्री वेव्स के रूप में। इसकी कुछ खास बातें मैं आपको बता देता हूँ कि फेसबुक ने इस प्रोजेक्ट की देखरेख करने वाले जो डेविड मार्क्स हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट की देखरेख करेंगे डेविड मार्क्स, तो उन्होंने बताया कि जो लिब्रा नाम जो रखा गया करेंसी का वो एक तरीके का रोमन वेट मेजरमेंट से आया है, जिसका ज्योतिष भाषा में अर्थ होता है न्याय, और लिब्रा का फ्रेंच भाषा में मतलब होता है आज़ादी। तो डेविड मार्क्स ने कहा कि आज़ादी, न्याय और पूंजी, हम बस यही करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके आज़ाद, न्यायपूर्ण, पूंजीगत व्यवस्था का निर्माण करने की इनका फेसबुक का विचार है। दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी के अनुसार जो क्रिप्टो करेंसी है फिर लिब्रा, उससे लोग व्यापार कर सकेंगे जिनका बैंक खाता नहीं है, यानी जिनके पास अकाउंट नहीं भी है वो भी इस करेंसी से व्यापार कर सकेंगे। फिर वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हों या नहीं करते हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब फेसबुक ने कहा है कि लिब्रा की वैल्यू जो होगी वो US डॉलर, यूरो और जितनी भी करेंसियाँ उनके समकक्ष होगी, यानी उनके बराबर होगी। अब लिब्रा एसोसिएशन का इसके द्वारा अंतर्गत गठन किया जाएगा, जिसका मुख्यालय जो होगा वो जिनेवा में होगा। ये याद रखें कि लिब्रा एसोसिएशन का मुख्यालय जिनेवा में होगा, जबकि ये स्विस कानून के दायरे में काम करेगा। अब यही संगठन नई करेंसी के मूल्य के आधार पर विश्व भर में चलने वाली वास्तविक मुद्राओं का भंडार रखेगी, यानी सभी तरह की मुद्राएँ भंडारित इनके पास रहेंगी, ताकि लिब्रा की मूल्य एक निश्चितता बनी रहे। अब तीसरा पॉइंट है कि फेसबुक में एक कैलिब्रा डिजिटल वॉलेट भी लॉन्च करेगी, यानी कि जो लिब्रा करेंसी है उसके लेन देन के लिए कैलिब्रा डिजिटल वॉलेट भी लॉन्च करेगी, और जहां से ग्राहक लिब्रा को खरीद और बेच सकेंगे, यानी करेंसी का आदान प्रदान कर सकेंगे। अब कैलिब्रा का जो फेसबुक के मैसेंजर, व्हाट्सएप के जरिए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा जाएगा, जहां से आप कुछ ही सेकंड में यानी जस्ट एक मैसेज जाने की जितनी देरी में आप करेंसी का आदान प्रदान कर पाएंगे।
तो ये लिब्रा से जुड़ी हुई कुछ खास बातें थी जो कि अभी अभी लॉन्च हुई है। तो इसी तरह आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे, नई नई करंट अफेयर की न्यूज़ आपको मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।